नोटबंदी के चलते लोग तो परेशान हैं ही, इसके साथ इन दिनों जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनको मुंह की खानी पड़ रही है। हाल ही में रिलीज हुई फरहान अख्तर, श्रद्धा कपूर और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म रॉक ऑन 2 पर्दे पर बुरी तरह पिट गई और फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वहीं इस सप्ताह रिलीज हुई बॉलीवुड के माचो मैन और एक्शन हीरो जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 2 फिल्म मेकर की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। दरअसल 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से ही सिनेमा घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जॉन की फिल्म फोर्स 2 को देखने के लिए थोड़ी भीड़ बढ़ी है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा ओपनिंग की। शुक्रवार को फोर्स 2 ने 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। दूसरे दिन इस फिल्म ने पहले दिन से लगभग 15% ज्यादा का कारोबार करते हुए लगभग 7 करोड़ का कारोबार करने में सफलता प्राप्त की। रविवार तीसरे दिन भी फिल्म ने लगभग 7.5 करोड़ अपने खाते में जमा कर पाई और इसके साथ फिल्म फोर्स 2 का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा 20 करोड़। लेकिन फिल्म को अपनी लागत वसूल करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का कारोबार करना होगा, जो ओपनिंग वीकेंड को देखकर मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं जॉन की पिछली फिल्म रॉकी हैंडसम भी बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई थी, इसलिए इस फिल्म का सफल होना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे हालात में कहा नहीं जा सकता है कि फोर्स 2 सफल होगी।